ब्रेकअप के बाद जो यंगस्टर्स होते हैं अक्सर ऐसी चीज़ें ये तो बिल्ट अप नहीं होती हैं जैसे मेड अप नहीं होती हैं जैसे ट्यूशन जाया करते थे ट्यूशन में पहले वो भी आती थी इस यहीं बैठती थी इस 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 सड़क के इस मोड़ से यहाँ मुड़ा करते थे यहाँ मिलते थे यहाँ पे जाकर खाना खाया करते थे ये तो बड़े फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये भी तो याद करो जब खाना खा रहे होते थे उसी समय पे वहाँ छह मक्खियाँ होती थी वो जो मक्खियों का होना था उस घटना का हिस्सा था और मक्खियों के होने के कारण वो घटना उतनी रोमांटिक नहीं थी जितनी तुम्हारी मेमोरी में है पर तुमने अपनी मेमोरी से उन मक्खियों को तो बिल्कुल ही हटा दिया तुम और वो बैठ कर के ढाबे पे पराठे खा रहे हो और तुमने मेमोरी से इस बात को हटा दिया कि बगल में वो बाइक वाला था बिना साइलेंसर की अपनी बाइक को रेस दिए जा रहा था और धुआं छोड़े जा रहा था तुम्हारे मुंह पे वो रेस दे रखी है बिना साइलेंसर की बाइक धुआं छोड़ रहा है बताओ कितना रोमांटिक मूवमेंट है पराठे पे भी मक्खियां बैठी हुई हैं और पराठे के साथ जो अचार है उसमें तो एक मक्खी समाधि ले चुकी है बताओ कितना रोमांस है और जब साथ में पराठे खा रहे हो तब डरे भी हुए हो कोई देख तो नहीं रहा और घड़ी भी देख रहे हो कि इसको जल्दी से वहां छोड़ के आना है या कि कुछ और हो जाएगा बताओ कितना रोमांस है कुल मिला जुला के उस पूरी घटना में रोमांस था इतना सा और बाकी चीजें थी इतनी सारी ये तो तुमको याद है कि वो अपनी स्कूटी पर आती थी तुम अपनी बाइक पर जाते थे और उसका पीछा करते थे और ये भूल गए कि पुलिस ने तुम्हें कितना सुझाया था पीछे से वो तुमने मेमोरी से बिल्कुल ही निकाल दिया और मेमोरी से ये बात तो पूरी तरह निकाल दी है कि पुलिस को बुलाने वाला कौन था वो खुद थी और ये बात तुम याद ही नहीं रखना चाहते कि तुम्हारा पिछाड़ा सुझवाया किसने था अब ये याद रखो फिर बताओ अब कितना रोमांस बचा मेमोरी में पूरी बात याद रखो ना मैं कह रहा हूं सत्य वो है जो पूर्ण होता है हम पूरी बात याद नहीं रखना चाहते और सत्य वो है जो बदले नहीं तुमने बदल कैसे दी मेमोरी तो मेमोरी अपने आप में एक छलावा है झूठ है अपने आप को ऊंचा करो बेहतर करो तुम्हारे प्रेम प्रसंग अपने आप बेहतर हो जाएंगे वो सही रास्ता है